हेलो क्यूटीज, आई एम सपना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना हेयर जो है वो परमानेंट स्ट्रेट कैसे कर सकते हो बिल्कुल सिल्की एंड स्मूथ। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स प्रोफेशनल कैनवो लाइन की हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम एंड न्यूट्रलाइजर क्रीम। एंड हमें इसके साथ ज़रूरत होगा एक अच्छी से स्ट्रेटनर की, तो आप अच्छी कंपनी का स्ट्रेटनर ही यूज़ करें इसके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्स के ही शैम्पू से आपको अपने हेयर को वॉश करना है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है, बिल्कुल ही क्लीन रहना चाहिए वो। एंड अच्छा होगा अगर अपने बालों में आपने कोई भी हाइलाइटिंग या फिर कलर नहीं किया हो तो। एंड हेयर वॉश करने के बाद आपको ड्रायर से बिल्कुल ही कूल हवा, मतलब हॉट हवा आपको नहीं निकालना है, कूल हवा से बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से 100% सुखा लेना है। तो इस तरह से मैंने बालों को पूरे अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है 100%। एंड हमें बालों का बहुत ही हल्का हल्का सा सेक्शन लेना होगा। मैंने सारे हेयर को जो है वो पिन अप कर दिया है एंड बहुत ही पतला सा सेक्शन लिया है मैंने। एंड इसे जो है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद हम हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही हमें एकदम एक हेयर को कम से कम 2-4 बार स्ट्रेट करना है जब तक वो अच्छे से स्ट्रेट ना हो जाए। तो इसी तरह से मैं पूरे हेयर को जो है वो स्ट्रेट करूँगी। कॉम्ब लगा करके अगर हेयर स्ट्रेट करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट होगा, क्योंकि वो सामने से कॉम्ब होता रहता है एंड स्ट्रेट होता है तो परफेक्ट होता है। ये सही तरीका है बाल को स्ट्रेट करने का कॉम्ब के साथ। ऐसे ही आपको हल्का हल्का सा हेयर का मैंने बहुत सारा सेक्शन बनाया हुआ है एंड ऐसे ही आपको एकदम पतली सी सेक्शन निकाल निकाल के आपको जो है वो पूरे हेयर को स्ट्रेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इन तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे तो आप अच्छे से जो है वो नहीं कर पाएंगे हेयर स्ट्रेटनिंग एंड आपका जो हेयर है वो परमानेंट हेयर स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि एक भी स्टेप जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बहुत ही अच्छे से मेरा जो हेयर है वो स्ट्रेट हो गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेट करना है एंड उसके बाद जो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसे निकाल लेना है। पहले आप थोड़ा सा ही ये क्रीम जो है वो निकाले, फिर ज़रूरत लगे तो फिर से आप इसे निकाल करके और अपने सारे बालों में अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके ही निकाले, ऐसे में क्रीम आपका जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने क्रीम जो है वो निकाल लिया है एंड फिर से मैं जो हेयर का सेक्शन है वो फिर से बनाऊँगी जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग के टाइम में बनाया था। तो इससे जो है ना आपका क्रीम जो है वो अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। तो मैंने सारे हेयर को जो है वो अच्छे से पिन अप कर लिया है एंड जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए हमने थोड़ा सा हेयर छुरा था वैसे ही हम हेयर छोड़ेंगे एंड क्रीम को जो है वो आप अच्छे से मिक्स कर लो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका जो हेयर है उसका
स्काल्प से एक इंच छोड़ के ही आप इसे लगाएं, ताकि आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ना हो, नहीं तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो आप स्काल्प से एक इंच छोड़ के ही लगाएं ये जो क्रीम है, हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम, एंड इसे जो है वो अच्छे से मिला करके लगाएं, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे से इसे मर्ज कर दें, आपका हेयर में जो है वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद कॉम्ब से हम इसे कॉम्ब कर देंगे, ताकि ये जो क्रीम है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे हेयर में। एंड इसी तरीके से हमें पूरी हेयर में जो है वो ये क्रीम को अप्लाई कर लेना है। ध्यान रखिए, एक इंच छोड़ के ही आपको ये जो क्रीम है वो अप्लाई करना है, नहीं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको पक्का से हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एंड ऐसे ही कॉम्ब करना है हमें क्रीम को लगा करके। एंड 45 मिनट टू 50 मिनट तक आप इसे छोड़ दें, एंड उसके बाद जो है हेयर को थोड़ा सा खींच के देखें, अगर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, ये खींच जा रहा है रबड़ की तरह, तो ये जो हेयर है वो हो चुका है इस क्रीम का जो भी काम है। तो आप इसे जो है वो अच्छे से आप वॉश कर लो, वार्म वाटर से, ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा कूल भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी से आप हेयर को अच्छे से वॉश कर लो। एंड आपको बस पानी से वॉश करना है, एंड बालों को ज़्यादा खींचना नहीं है, बाल धोते वक्त बहुत ही आराम से इसे धोना है, एंड फिर टॉवल से बहुत ही आराम से इसे इसमें से पानी हटाना है। एंड उसके बाद आपको बिल्कुल भी हॉट हेयर जो है वो नहीं देना है ड्रायर से, आपको बिल्कुल ही कूल हेयर से बालों को 100% ड्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा बाल जो है वो 100% ड्राई हो गया है। कूल एयर से हॉट एयर बिल्कुल भी नहीं देना है आपको अपने हेयर पे, एंड आपका जो हेयर है उसे पिनअप नहीं करना है ज़्यादा, बस एक पिन आप इस साइड लगा दो, एक पिन आप उस साइड लगा दो, बिल्कुल ही लूज। एंड हेयर की जो पतली पतली सेक्शन है, इस टाइम आपको 10 टाइम भी आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करो, जब तक आपका हेयर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट ना हो जाए, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद जो स्ट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो हेयर को है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट करना है, जब तक वो आप पूरा बढ़िया से स्ट्रेट ना हो जाए तब तक आपको एक ही हेयर पे स्ट्रेट करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही स्लोली एंड अच्छे स्ट्रेटनर से आप स्ट्रेट करोगे तो काफ़ी फास्ट एंड जल्दी भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रेट हो रहा है, आपको ऐसे ही स्ट्रेट करना है अपने हेयर को। एंड वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे तो आपका हेयर जो है वो स्ट्रेट अच्छे से नहीं होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें एंड बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड हेयर स्ट्रेटनिंग आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से की जा रही है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है, अपने हेयर को अच्छे से स्ट्रेट करना है, बिल्कुल ही ग्लास स्ट्रेटनिंग आपको कर देनी है, जो आपका जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही बढ़िया आए। तो इसी तरीके से मैं अभी जो है ये पूरा हेयर स्ट्रेट करूँ। तो आप देख सकते हो मेरा हेयर जो है वो बहुत ही बढ़िया से स्ट्रेट हो गया है। एंड इस बढ़िया वाले स्ट्रेटनिंग करने के बाद हम अप्लाई करेंगे इस पर न्यूट्रलाइज़र क्रीम। तो हम इसे भी निकाल लेंगे, जितना हमें लगे कि यूज़ हो सकता है उतना क्रीम हम निकाल लेंगे, एंड इसे भी एक्टिवेट करके मिला करके हम अप्लाई करेंगे। तो आप मेरा हेयर देख सकते हो, इस टाइम आपको बिल्कुल भी एक भी क्लिप नहीं लगाना है। आप सेंटर पार्टीशन करना चाहते हो, सामने से आप मांग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, या फिर आप तो नहीं भी निकाल सकते हो। मैंने मांग निकाला है, तो मैंने ऐसे ही करके क्रीम को भी अप्लाई किया है। तो आप इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हेयर ले सकते हो, जैसा उस टाइम हमने लिया था, तो आपको अभी दिख जाएगा कि कितना हेयर हम ले सकते हैं इस क्रीम को अप्लाई करने के लिए। एंड इसे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मर्ज होना चाहिए, ये जो है हमारे हेयर स्ट्रेटनिंग को लॉक कर देता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीम को जो है वो अप्लाई करना है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से मिलाना है। वो आप देख सकते हो कि कैसे हमें इस क्रीम को मिलाना है। एंड इससे पहले जो हमने स्ट्रेटनिंग की थी, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना अच्छे से आप स्ट्रेट कर सको, जितना अंदर से स्कैल्प के पास से आप कर सको, बस जला मत लीजिएगा आप, बट अच्छे से कीजिएगा स्ट्रेट।
क्रीम अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें 40-50 मिनट तक वेट करना है एंड वार्म वाटर से फिर से हमें हेयर को वॉश कर लेना है। तो बिल्कुल ही आपको दोनों टाइम वार्म वाटर ही यूज़ करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको ज़रूरी फॉलो करना है। तो आप वार्म वाटर से अपने हेयर को ज़रूर वॉश करें एंड उसके बाद टॉवल से हल्के हल्के से हेयर को जो है वो सुखा ले एंड उसके बाद आपको सीरम अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स का ही सीरम यूज़ कर रही हूँ, मैं सब कुछ स्ट्रिक्स का ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी वही यूज़ करें। एंड सीरम को जब बालों से पानी निकल जाए तो उसके बाद हम इस सीरम को अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सीरम को अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रिक्स का स्काई वाला सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ एंड स्ट्रिक्स का सीरम बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस तरीके से हम सीरम लेंगे एंड हाथों में मिक्स करके उसके बाद हम हेयर पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हो मैं कितने अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही अप्लाई करें अपने हेयर पे। एंड पूरे हेयर में जब सीरम लग जाए तो उसके बाद हमें ड्रायर यूज़ करना है, उसे हमें बिल्कुल ही कूल एयर यूज़ करना है, बिल्कुल भी हॉट एयर यूज़ नहीं करना है। तो आप कूल एयर पे करके एंड हेयर को जो है वो 100% ड्राई कर ले। जब आपका हेयर 100% ड्राई हो जाए कूल एयर से तब अपने हेयर को आप स्ट्रेट कर ले एंड यही था फाइनल स्टेप एंड आपका हेयर हो गया स्ट्रेट। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये जो स्ट्रेटनिंग किया गया है। 3 दिन तक आपको अपने हेयर में बिल्कुल भी हेयर को मोड़ना नहीं है, कोई भी क्लिप नहीं लगाना है, पसीना तक नहीं आना चाहिए आपको एंड आपके बाल जो है वो पानी से भी नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो आपका हेयर जो है वो ख़राब हो सकता है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा ये सब करके। तो आप अपने हेयर को बचा करके रखें, पसीना से क्लिप ना लगाएं, बालों को बांधे ना एंड बिल्कुल भी पानी ना लगाएं बालों में। 3 दिन मतलब 48 घंटे के बाद आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर ले शैम्पू से एंड उसके बाद जो हेयर स्पा आता है वो आप लगा ले एंड हेयर स्पा का पिक्चर जो है वो मैं लगा दूंगी। एंड उसके बाद आप अपने बालों में जैसे क्रीम मैंने अप्लाई किया वैसे ही हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करें एंड उसके बाद उसे 5-10 मिनट छोड़ने के बाद आप अपने हेयर को वॉश कर ले। कुछ शैम्पू या कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही वॉश कर ले एंड थोड़ा सा ड्राई करने के बाद उसमें सीरम लगा करके फिर से उसे थोड़ा सा ड्राई कर ले, पूरा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड या बस डन, आपका हेयर हो जाएगा परमानेंट स्ट्रेट एंड बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। सो बाय 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 बाय, कमेंट जरूर करें।